वीडियो में हम आपको देंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फॉर नैनो फिजिक्स, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि यार नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। उसके साथ साथ फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि यार ये नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। आसान भाषा में हम आपके सामने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रखेंगे नैनो फिजिक्स का, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। तो सबसे पहले भाई साहब हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो नैनो है, ये जो नैनो वर्ड है, इसका मतलब क्या है। देखो, नैनो जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है नैनोस, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है नैनोस और उससे इसको निकाला गया है नैनो। अब इस नैनो का मतलब क्या है, गाड़ी वाला नैनो नहीं, इस नैनो का मतलब क्या है। नैनो का मतलब होता है वॉर, जिसका मतलब होता है स्मॉल, मतलब कि छोटा। नैनो का मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। एक ग्रीक भाषा का वर्ड है नैनोस, उससे इस वर्ड को निकाला गया है जिसका मतलब क्या होता है, वॉर, मतलब कि छोटा। ठीक, अच्छा कितना छोटा, मतलब कि कितना छोटा, कोई नंबर क्वांटिटी तो होगी, तो ध्यान से समझे। जो वन नैनो है, एक नैनो का मतलब है वन बिलियंथ ऑफ वन मीटर का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक वायर है एक मीटर लंबा मेरे पास क्या है, एक वायर है, और उसके मैं वन बिलियन हिस्से कर दूँ। एक वायर है उसके मैं एक बिलियन हिस्से कर दूँ, एक बिलियन कितना होता है, दस करोड़ हो गया। मतलब कि मेरे पास क्या है कि एक मीटर का वायर है और मैंने उसके 10 करोड़ हिस्से कर दिए, तब जो छोटा सा हिस्सा बचेगा वो एक नैनोमीटर है। वो कितना है मेरे भाई, एक नैनोमीटर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर = 10^-9 मीटर। सो एक नैनोमीटर क्या को हम क्या कहते हैं, वन बिलियंथ। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, ऐसे पार्टिकल जो इस रेंज में होते हैं, ऐसे पार्टिकल जिनका जो साइज है, जिसकी जो रेडियस है वो एक नैनोमीटर होती है, उनको हम क्या कहते हैं, नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, एक नैनो पार्टिकल्स की एक रेंज होती है, नैनो स्केल जिसे कहते हैं, जैसे कि 1 से लेके 1000 तक। अगर 1 से लेके 1000 तक कोई भी पार्टिकल मान लीजिए जिसका डायमीटर या रेडियस 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक है, तब आप उसको नैनो पार्टिकल कह सकते हैं, क्लियर। तो हमको ये समझ में आ गया कि नैनो का मतलब क्या है। नैनो का मतलब है 1 बिलियंथ ऑफ 1 मीटर, मतलब कि 1 नैनोमीटर एक होता है 10^-9 मीटर। सही है, अच्छा जी, ड्राफ इसका मतलब छोटा, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि नैनो पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है। नैनो पार्टिकल्स मतलब क्या है कि वो पार्टिकल जिनकी रेडियस या डायमीटर 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के रेंज तक होते हैं, उस जिसको हम नैनो स्केल कहते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, सो अगर हम भाई मैं बात करूँ नैनो पार्टिकल्स की, तो ये नहीं पता है ना, ये मतलब इंसान, ये हमें आज तक नहीं पता कि इंसानों ने कब इस चीज़ को डिस्कवर करा है, कब नैनो पार्टिकल्स की साइंस को डिस्कवर करा है, ये इंसानों को नहीं पता। अब बिलीव नहीं करोगे, पुराने ज़माने में भी नैनो पार्टिकल्स की विज्ञान को देखा गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप जरा इस तरफ ध्यान दें, ये जो रेड कलर में मैं लिखा है, 4th century AD में एक रोमन में एक भाई साहब राजा हुए करते होंगे, लाइकर्गस। उनकी जब डेथ हुई थी तो वहाँ पर एक कप बनाया गया था, लाइकर्गस कप। अब ये जो कप है ये सोडा लाइम से बना हुआ है, जिसके ऊपर गोल्ड की और सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स की परत लगाई गई, मतलब कि जिसके अंदर नैनो गोल्ड और सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करा गया। अब ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला कि बेसिकली जो ये कप है ये ग्रीन कलर का होता है, नॉर्मल अगर आप इसको देखें तो ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन अगर इसके अंदर लाइट रख दी जाए तो ये रेड कलर का हो जाता है, और रेड कलर जो होता है वो बेसिकली गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स का कलर होता है, है ना। ये सारी जो चीज प्रॉपर्टीज होती है नैनो पार्टिकल्स की वजह से होती है। तो मतलब कि ये इंसानों को नहीं पता कि यार नैनो पार्टिकल्स का विज्ञान हमने कब यूज़ करा है, हमने मतलब इंसानों को कब पता चला है, इसका कोई आइडिया नहीं। लेकिन हाँ, इतना हमें पता है कि पुराने ज़माने में भी नैनो पार्टिकल्स का भी यूज़ करा गया था, नैनो विज्ञान का यूज़ करा गया था। अब उन्हें कैसे, उन्हें पता था या नहीं पता था कि ये नैनो है, वो किसी को नहीं पता, क्लियर। अच्छा, एक नैनोमीटर में, और इसको थोड़ा इलेबोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है कि एक नैनोमीटर जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है लेंथ ऑफ द 10 हाइड्रोजन एटम आर अलाइंड इन लाइन। मतलब कि अगर आप 10 हाइड्रोजन एटम को एक लाइन में रख दें या फिर 5 सिलिकॉन एटम को एक लाइन में रख दें, तब जो लेंथ बनेगी वो एक नैनोमीटर है। ठीक है, तो हमको एक नैनोमीटर समझ में आ गया। हमने एक थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री पढ़ ली कि भाई पुराने ज़माने से चलती आ रही है ये नैनो पार्टिकल्स की विज्ञान। अब पहला इंसान का कौन है जिसने इसको खोजा है,
किसी को कुछ नहीं पता, क्लियर। अच्छा, तो हमें नैनो पार्टिकल्स क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नैनो मटेरियल्स किसे कहते हैं। देखो, नैनो मटेरियल्स वो मटेरियल जिसकी कोई एक या एक से ज़्यादा डायमेंशन नैनो स्केल में हो, जिसकी कोई एक या एक से ज़्यादा डायमेंशन किस में हो मेरे भाई, नैनो स्केल में हो, है ना। नैनो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल है, अब इसकी डायमेंशन है ए हो गई, लेंथ ये हो गई, रेडियस, तो इसमें से किसी कोई एक डायमेंशन नैनो स्केल में अगर है तो ये जो मटेरियल होगा मैं उसको नैनो मटेरियल कहूँगा, ठीक है, नैनो मटेरियल्स कहेंगे। तो नैनो मटेरियल्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे भाई, नैनो मटेरियल्स की डेफिनेशन हम लिखेंगे अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो, कि मटेरियल्स हैविंग ओनली वन और मोर देन वन डायमेंशन इन नैनो स्केल। नैनो स्केल मैंने भी आपको बताया एक से लेके 1000 नैनोमीटर तक, मतलब कि अगर इस स्केल में कोई चीज़ है तो वो नैनो स्केल के अंदर है। इससे अगर आप नीचे चले गए, मतलब अगर आप 1 नैनोमीटर से भी नीचे चले जाओगे तो आप एटॉमिक लेवल पर आ जाओगे, नैनो स्केल में नहीं रहोगे, ठीक है। अगर आप इससे आगे हो तो माइक्रो में, बल्क प्रॉपर्टी जिसे बल्क कहते हैं, क्या कहते हैं, बल्क, क्लियर। यहाँ तक समझ में आता है, बहुत बढ़िया। अब नैनो मटेरियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, जैसे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स किन्हें कहते हैं भाई, वो मटेरियल्स जिनकी कोई एक डायमेंशन नैनो के स्केल में हो, बाकी दो नॉर्मल हो। नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल जो हम देख सकते हैं बल्क प्रॉपर्टी, मैक्रो लेवल पर हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए क्यूब है, है ना, उसकी हमने लेंथ को नैनो कर दिया, हमने क्या कर दिया, लेंथ को नैनो कर दिया, और ब्रेथ और हाइट नॉर्मल है मैक्रो में या बल्क प्रॉपर्टीज में उनका साइज है, तो जब जो मटेरियल बनेगा उसको हम 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल कहेंगे। मैं आपको और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है ओनली 1 डायमेंशन इज इन नैनो स्केल। जैसे एक एग्जाम्पल समझो क्वांटम वेल, तो एक क्वांटम वेल मैंने बना रखा है। अच्छा, क्वांटम वेल नहीं पता, इसके एक एक करके हम भाई आगे वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में तो बस, मतलब इस वीडियो में तो छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, है ना, कि थोड़ा आपको मतलब बेस बन जाए आपका कि अच्छा नैनो पार्टिकल्स ये होता है, नैनो स्केल ये होता है। आगे पूरी नैनो फिजिक्स डाली जाएगी इस, मतलब इस प्लेलिस्ट में, तो धीरे धीरे करके आपको आगे वीडियोज़ में आपको मिलते रहेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो बस अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक थिन फिल्म जैसे कोटिंग करते हैं, कोटिंग सुना है भाई, कोटिंग नहीं करते किसी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी। अब वो जो कोटिंग है अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी लेंथ नैनो स्केल में इतनी पतली कि हमको दिखती भी नहीं है, और ब्रेथ और हाइट जो है वो किस में है, नॉर्मल बल्क प्रॉपर्टीज में है। तो आप जब किसी की कोटिंग करते हो, वो जो कोटिंग आप कर रहे हो जिसकी, वो कोटिंग बेसिकली 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल है, 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल है। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स आप किसे कहोगे भाई, जिसके 2 डायमेंशन नैनो मटेरियल नैनो स्केल में हो, जैसे कि आपका क्वांटम वायर हो गए, क्वांटम ट्यूब्स हो गए, नैनो फाइबर्स हो गए, ये सब क्या है, ये आपके 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स हैं, 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स, ठीक है। ये मैंने एक ऐसे फिगर बना रखी है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। 3 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स कौन से होंगे भैया, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो जाए, नैनो स्केल में चली जाए। जैसे मान लो क्यूब था तो एक लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही नैनो स्केल में चली गई, तो क्या बनेगा, एक डॉट बनेगा, दैट इज क्वांटम डॉट, नैनो रिंग्स। तो ये कुछ एग्जांपल है, क्लियर। तो हमें समझ में आ गया कि नैनो मटेरियल्स किन्हें कहते हैं, नैनो पार्टिकल्स किन्हें कहते हैं, नैनो स्केल क्या होता है, यहाँ तक तो कोई डाउट है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 टर्म और आती हैं, एक होती है नैनो साइंस और एक होती है नैनो टेक्नोलॉजी, एक होती है नैनो साइंस और एक होती है नैनो टेक्नोलॉजी। अब ये क्या बवाल है, देखो जरा इसको हटा दो, वीडियो को पोस्ट करके भैया स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लिख लेना है ना, एग्जाम्स में आ जाते हैं कभी भी कि नैनो पार्टिकल बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो आप बना बना के लिख लोगे, ठीक। अच्छा, ये नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी देखो क्या होते हैं, है ना, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, ध्यान से समझना इन दोनों का। नैनो साइंस देखो क्या है, नैनो साइंस एक वो विज्ञान है, मतलब कि एक वो साइंस है जिस पे आप स्टडी करते हो नैनो मटेरियल्स को, यहाँ से सुनना मेरी बात को, नैनो साइंस एक वो साइंस है जिसमें आप स्टडी करते हो नैनो मटेरियल्स को। जो नैनो मटेरियल्स मैंने अभी आपको बताया 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स आपके पास में है, जैसे क्वांटम डॉट हो गया, क्वांटम वायर हो गया, क्वांटम वेल हो गया। अगर आप इनको स्टडी करते हो, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हो,
प्रॉपर्टीज़ कैसे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अरे हज़ार चीज़ें मेरे भाई, हज़ार चीज़ें। तो अगर आप नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हो और फिर उन प्रॉपर्टीज़ या फिर रिलेटेड फिनोमिनाज को स्टडी करते हो, है ना, उससे रिलेटेड भी तो बहुत सारे फिनोमिना होंगे, उस साइंस को हम नैनो साइंस कहते हैं। सिंपल है, सिंपल है, मतलब कि साइंस का वो हिस्सा या फिर वो विज्ञान जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नैनो पार्टिकल्स को, नैनो मटेरियल्स को स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, ऐसे विज्ञान को हम नैनो विज्ञान या फिर नैनो साइंस कहते हैं, नैनो विज्ञान। ठीक, ऐसे को हम क्या कहते हैं भाई मेरे, नैनो साइंस कहते हैं। मतलब कि इसमें हम इन विच, या फिर ऐसे लिख लो, स्टडी ऑफ नैनो मटेरियल्स, स्टडी ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टीज और रिलेटेड फिनोमिनास एंड रिलेटेड फिनोमिनास, ठीक है, और बहुत सारे रिलेटेड फिनोमिनास, जैसे कि मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ एक, है ना, जैसे आप इसके अंदर पढ़ोगे क्वांटम डॉट, अब क्वांटम डॉट है, अब क्वांटम डॉट क्या है, एक थ्री डायमेंशनल नैनो मटेरियल है, ये क्या है, एक थ्री डायमेंशनल नैनो मटेरियल है, एक थ्री डायमेंशनल नैनो मटेरियल है। अब आप इसके बारे में स्टडी कर रहे हो कि भाई इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कलर इसका क्या है, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ, अगर आप इन सब चीज़ों को स्टडी कर रहे हो तब आप नैनो साइंस में हो। अच्छा, ये कर क्यों रहे हैं, हम स्टडी कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। देखो, जब भी आप बल्क से नैनो में जाते हो, बल्क बोले तो मैक्रो लेवल, बल्क मतलब जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसकी लेंथ है, ब्रेथ है एक अच्छी खासी सेंटीमीटर्स मीटर में, तो जब भी आप बल्क से नैनो में जाते हो, बल्क मटेरियल से नैनो स्केल्स में जाते हो, तब मेरे भाई हर एक चीज़ बदल जाती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड वैसे किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, लेकिन अगर आप उसको तोड़ते रहो मतलब नैनो स्केल में जाओगे, तो जैसे जैसे नैनो स्केल में आप पहुँचते रहोगे तो उसकी कलर बदल जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा, और तो और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाएंगी मेरे भाई। तो एक चीज़ याद रखना, जैसे कोई भी मटेरियल, जैसे मान लो ये एक मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, और ये एक बल्क प्रॉपर्टी, ये एक बल्क स्केल में है, अगर मैं इसको नैनो स्केल में लेकर जाऊंगा ना, तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी, जैसे रिएक्टिविटी चेंज हो सकती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, थर्मल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं ना, बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल, मतलब इस मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे साइज छोटा करते रहते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ के चेंज को जब हम पढ़ते हैं तो हम नैनो साइंस में होते हैं। एक मटेरियल आ गया, एक नैनो मटेरियल आ गया, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं कि अब इसकी नई प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तब हम नैनो साइंस में होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, डिस्प्रिन की गोली आप सभी ने देखी होगी, ली भी होगी, डिस्प्रिन सर दर्द दूर करे, डिस्प्रिन की गोली आप सभी ने देखी होगी। अब होता क्या है कि अगर आप एक सीधी गोली है आपके पास, उसको पानी के अंदर डाल दो, सीधी बिल्कुल नॉर्मल, कोई टूटी वूटी गोली नहीं है, सीधी है, पानी के अंदर डाल दो, ठीक है, क्या होगा, घुलेगी, धीरे धीरे खुल जाएगी, बहुत बढ़िया। आपने क्या दूसरी साइड में आपने क्या काम करा, उसका चूरा बनाया और फिर उसके अंदर डाल दिया पानी के अंदर। मुझे सोच के बताओ, सबसे जल्दी कौन घुलेगा, सिचुएशन समझो क्या है, दो गिलास हैं, दोनों गिलास में पानी है, हमने एक डिस्प्रिन की गोली ली, एक सीधी की सीधी गोली उठाई, इसके अंदर डाल दी, अब वो उसके बाद धीरे धीरे घुल रही है, धीरे धीरे मिक्स हो रही है। उसके बाद एक हमने क्या काम करा, उस गोली का चूरा बनाया, चूरा इसके अंदर डाल दिया, खुद दिमाग लगा के बताओ सबसे जल्दी किसमें मिक्स हो जाएगी, प्रॉपरली किसमें मिक्स हो जाएगी, सबसे जल्दी किसमें मिक्स होगी, इस वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने साइज छोटा कर दिया था, यहाँ पर साइज बड़ा था, इस वजह से साइज बड़े की वजह से रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, सॉरी रिएक्टिविटी कम थी, यहाँ पर रिएक्टिविटी बदल गई, रिएक्टिविटी तेज हो गई, जल्दी से रिएक्ट कर गया पानी के साथ, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है, इन एग्जाम्पल से भाई मेरे आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई जैसे जैसे हम साइज को कम करते रहते हैं, जैसे जैसे हम नैनो स्केल की तरफ बढ़ते रहते हैं, सारी प्रॉपर्टीज बदलती हैं, और उन बदली हुई प्रॉपर्टीज को जब हम पढ़ते हैं, कैसे, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या होगी, ये प्रॉपर्टी कैसे बदल गई, ये बदल गई, वो बदल गई, इन बदली हुई प्रॉपर्टीज को जब हम पढ़ते हैं तो किस में पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं नैनो साइंस में, यहाँ तक समझ में आया।
तो स्टडी ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड रिलेटेड फिनोमिनाज, जो रिलेटेड फिनोमिनाज होंगे उनको। एक एग्जांपल में मैंने लिखा क्वांटम डॉट, एक थ्री डायमेंशनल नैनो मटेरियल है और इसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हो, तब मेरा आप किस में हो मेरे भाई, नैनो साइंस में। क्लियर क्लियर। उसके बाद बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। देखो ये जो शब्द था ये 1974 में एक साइंटिस्ट थे, इनका ऐसी कुछ नाम था नैरियो तानागुची, स्पेलिंग देख लेना है ना, नैरियो तानागुची, एक जापानी साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस शब्द को पहली बार निकाला था नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो टेक्नोलॉजी देखो क्या है, सुनना ध्यान सुनना, नैनो साइंस में हम नैनो मटेरियल्स को पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। नैनो टेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में हम जो नैनो मटेरियल हमारे पास में है उनकी एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन से हम कौन कौन से डिवाइस बनाते हैं उसको हम पढ़ते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। आराम से बता कि नैनो टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ नैनो साइंस फॉर मेकिंग डिवाइसेस एंड प्रोडक्ट। एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि एलईडी टीवी स्क्रीन इज मेड बाय क्वांटम डॉट्स। सुनो ध्यान से मैंने क्या बताया, देखो नैनो साइंस में आप नैनो मटेरियल्स को पढ़ रहे हो, उस नैनो साइंस की हर एक विज्ञान की कोई एप्लीकेशन होती है, हर एक विज्ञान जितने भी आपने बचपन से विज्ञान बढ़ते आ रहे हो, हर एक विज्ञान का हर एक चीज़ की क्या होती है, एक मतलब कि एक एप्लीकेशंस होती है, एक डेली लाइफ में उसका यूज़ होता है। तो भाई नैनो साइंस पढ़ रहे हैं तो इसका भी कोई डेली लाइफ में यूज़ होगा, और उस यूज़ से मतलब कि नैनो साइंस की मदद से हम क्या करते हैं, हम डिवाइस बनाते हैं, नैनो साइंस की मदद से हम क्या बनाते हैं, डिवाइस बनाते हैं। सो उन डिवाइस को पढ़ने के लिए वो कैसे बनेंगे, कैसे काम करेंगे, वो हम किस में पढ़ते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है क्वांटम डॉट, मैंने अभी आपको बताया कि एक मटेरियल जिसकी तीनों साइड क्या होती है, नैनो स्केल्स में होती है, और एलईडी टीवी की जो स्क्रीन होती है उसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, और वो छोटा सा जो डॉट होता है वही होता है आपका क्वांटम डॉट। मतलब क्वांटम डॉट आपने नैनो साइंस में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज आपने नैनो साइंस में पढ़ी, उसका यूज आप नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ते हो। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, नैनो साइंस में आपने क्या पढ़ा कि अच्छा ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, अच्छा ये है वो है फलाना ढमकाना, उसकी प्रॉपर उसका यूज आप नैनो टेक्नोलॉजी में करते हो। तो नैनो टेक्नोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो कि नैनो साइंस का कैसे हम अप्लाई कर सकें अपनी लाइफ में, और कैसे कैसे डिवाइसेस हम बना सकें जिससे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी में करते हैं। क्लियर है, दोनों में कन्फ्यूजन ना रहे। तो नैनो साइंस एक बार फिर से रिपीट करेंगे जल्दी से, नैनो साइंस क्या है, जहाँ एक वो विज्ञान है जहाँ पर आप स्टडी करते हो नैनो मटेरियल्स को और उसकी रिलेटेड फिनोमिनाज एंड प्रॉपर्टीज। सेकेंड नैनो टेक्नोलॉजी ये भी एक विज्ञान है जहाँ पर आप नैनो साइंस की एप्लीकेशंस को पढ़ते हो, नैनो साइंस से कौन कौन से जो डिवाइसेस बनते हैं उनको बनाते हो, उनको पढ़ते हो, उनकी वर्किंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है। क्लियर। सो उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन ये समझ में आया हो, हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए दिया है कि नैनो साइंस क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटेरियल्स ये सब क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन नैनो फिजिक्स की मैं सारी वीडियोज़ मतलब पूरा का पूरा सिलेबस हम आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ की, जैसे बल्क से नैनो में जाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी बदलती हैं, कैसे बदलती हैं और कितनी बदलती हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब पूरी नैनो फिजिक्स का सिलेबस आपके साथ शेयर करेंगे। क्लियर, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।